हेलो हेलो एवरीवन, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, कैसे हैं आप दोस्तों? ये है सेमिनार, बहुत ही ज़ोरदार, और ये हमने दोनों जगह लाइव कर दिया है। आज हम लाइव गए हैं इंस्टाग्राम पे भी और यूट्यूब पे एक साथ। जी हाँ, और सेमिनार होगा एक साथ इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे आप लोगों के साथ। आज का टॉपिक बहुत ही ज़ोरदार है, आज का टॉपिक है मास्टरबेशन। जी हाँ, मास्टरबेशन। भाई, इससे पहले के लोग हमें जज करें, ये हमें क्वेश्चंस में आते हैं भैया, मास्टरबेशन पे सवाल आते हैं और लोग कहते हैं मास्टरबेशन। मैंने कहा ये कौन सा मास्टर है भाई? सो मास्टरबेशन पे सवाल इतने आते हैं कि पूछो मत, और इतने सवाल, इतने क्वेश्चन कि हम हो जाते हैं पागल। और इसी के चलते हाँ, ये सेमिनार तो बनता है, और मास्टरबेशन पे सेमिनार के साथ साथ हम आपके सवालों के भी जवाब देंगे। 10 सवालों के जवाब जो रैंडम सवाल होंगे, और उसके अलावा मास्टरबेशन पे सारे सवालों के जवाब आज दिए जाएंगे। और इसी के साथ शुरुआत करते हैं आज की टॉपिक की, मास्टरबेशन। सो मास्टरबेशन आया कहाँ से? चलो छोड़ो। सो मास्टरबेशन है क्या, सब जानते हैं। क्या वो करना गलत है या सही है, गुड है कि बैड है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सी, अगर मास्टरबेशन गलत है तो सेक्स भी गलत है। इट्स वेरी सिंपल। जब आप मास्टरबेट करते हो तो आपके शरीर से स्पर्म्स निकल जाते हैं बाहर। उसका क्या होता है वो भूल जाओ, स्पर्म्स निकल जाते हैं। जब आप मास्टरबेशन नहीं करते हो तो आपके स्पर्म्स अंदर ही रहते हैं, और आपका शरीर या तो उसे एब्जॉर्ब कर लेता है, उस स्पर्म्स को, उस सेमिनल फ्लूइड को, उन सीमेन को, सबको एब्जॉर्ब करता है, तोड़ ताड़ के एब्जॉर्ब हो जाते हैं, उसके बेसिक मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं, एब्जॉर्ब हो जाते हैं, या फिर आपको नाइटफॉल हो जाता है। राइट, 80%, 80% लोगों को नाइटफॉल होता ही होता है, सबको, जिंदगी में कम से कम एक बार। क्योंकि जिंदगी भर तो मास्टरबेट नहीं करोगे ना, ऑब्वियस सी बात है, जिंदगी भर तो सेक्स नहीं करोगे, तो नाइटफॉल होता ही होता है 80% लोगों को। नंबर दो, 50% से ज़्यादा फीमेल्स को भी नाइटफॉल होता है, 50% से ज़्यादा फीमेल्स मास्टरबेशन करती है, और 80% से ज़्यादा मेल्स, लड़की, मास्टरबेशन करते हैं दुनिया भर में, दुनिया भर में। जी हाँ, ये सच्चाई है। लेकिन एक और सच्चाई है, वो है मास्टरबेशन एडिक्शन, पॉर्न एडिक्शन, वो भी सच्चाई है। सो कहाँ है लकीर, कितना है सच्चाई, क्या सेफ है, क्या नहीं सेफ है? क्या मास्टरबेशन से वीकनेस होती है, क्या उससे बॉडी कम हो जाती है, क्या उससे शरीर में ऊर्जा कम हो जाती है, क्या वो जीवनी शक्ति आप बर्बाद करके पूरी तरह से नेस्तो नाबूत हो जाओगे, क्या हो रहा है ये? देखिए, मास्टरबेशन से किसी भी प्रकार की वीकनेस आपके शरीर को नहीं आती। मास्टरबेशन के बाद जो आपको फील होता है वो एक हाई फील होता है, एक हाई फील होता है। हाई मतलब जो आपको नशा फील होता है किसी भी प्रकार के दारू पीने के बाद, या किसी भी प्रकार की, या सेक्सुअल एक्टिविटी के बाद, सेक्स करते हैं, उसके बाद क्या होता है, आपके ब्रेन के अंदर जो फील गुड हॉर्मोन्स होते हैं, डोपामिन, वो सिक्रीट होता है। वो डोपामिन आपका रिवॉर्ड सेंटर है, जो हमने भांग वाले वीडियो में भी थोड़ा सा बताई था, आपने अगर वो नहीं देखा तो देखना। तो क्या होता है, जब आप सेक्स करते हो या मैस्टरबेट करते हो, आपको एक अचीवमेंट की फीलिंग आती है, एक रिवॉर्ड फीलिंग आती है कि मैंने कुछ किया, बहुत बढ़िया, मज़ा आ गया। और उसके बाद आपको रिलैक्सेशन भी होता है, क्योंकि ऑक्सीटोसिन सिक्रीट होता है बॉडी के अंदर। वो ऑक्सीटोसिन जो सिक्रीट होता है वो आपको नींद जैसा फीलिंग देता है, आपको बढ़िया अच्छी नींद भी आती है उसके बाद, मैस्टरबेशन के बाद। लेकिन प्रॉब्लम इज कि ये रिवॉर्ड आपको जब बहुत अच्छा लगता है, वाह मजा आ गया यार, मैं तो फिर से करूँगा, मैं फिर करते हो, मैं फिर से करूँगा, मैं फिर करते हो, जब आप फिर से करते हो और लगातार बार बार करते हो, बार बार करते हो, बार बार करते हो, तो आपकी सेंसिटिविटी कम हो जाती है, तो आपको उतने ही स्टिमुलेशन में वो मजा नहीं आता एक लेवल के बाद। जिस प्रकार रोज दाल खाने से दाल का मजा नहीं आना, आना बंद हो जाता, वैसे ही रोज मास्टरबेशन करने से या रोज सेक्स करने से सेक्स का मजा कम होते जाता है। इसका मास्टरबेशन या सेक्स या किसी से लेना देना नहीं है, रोज कोई भी काम करोगे तो उसका जो इफेक्ट है, जो उसका फील गुड फीलिंग है, वो कम होती जाएगी, उसकी सेंसिटिविटी बढ़ती जाएगी। वो ब्रेन का इफेक्ट है, वो ब्रेन एडजस्ट कर लेता है, आपका दिमाग एडजस्ट करता है, आपके बॉडी एडजस्ट करती है। जब आपकी सेंसिटिविटी कम होती जाएगी तो आपको और नया चीज चाहिए, या आपको और हार्ड, या और ज्यादा एक्सेसिव, और ज्यादा एक्सेसिव स्टिमुलेशन चाहिए। स्टिमुलेशन का मतलब या तो आपको और ज्यादा
गहराई में सोचना पड़ेगा। अब आपको किसी ना किसी चीज़ की, पहले सिर्फ आंख बंद करके सोचने भर से मास्टरबेट कर लेते थे, अब आपको पॉर्न की ज़रूरत पड़ रही है, अब आपको इरोटिक मूवीज़, इरोटिक स्टोरीज, इरोटिक ये इरोटिक वो देखने की ज़रूरत पड़ रही है, फिर उससे भी एक लेवल आया, फिर उससे भी मज़ा नहीं आ रहा, अब उससे भी मज़ा नहीं आ रहा, अब तो एक्चुअली देखा जाए तो सेक्स से भी मज़ा नहीं आ रहा, सेक्स भी किया तो सेक्स में भी मज़ा नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि भाई फीलिंग, वो डोपामिन इतनी बार निकल गया उस चीज़ के लिए, उस चीज़ के लिए कि आपकी बॉडी को उससे मज़ा नहीं आ रहा, लेकिन फिर भी मन कर रहा है करने का, क्योंकि मज़ा नहीं आ रहा लेकिन मन कर रहा है, मज़ा नहीं आ रहा लेकिन मन कर रहा है। कुछ सुना सुना सा लग रहा है? कैसे होता है ये होता है बॉडी बिल्डिंग में होता है। जब आप मसल एक्सरसाइज करते हो, कोई मसल की एक्सरसाइज करते हो, मसल बड़ी होती जाती है, फिर अगर उसकी एक्सरसाइज ना करो तो मसल ट्विच करती है, मसल दुखने लगती है कि बहुत दिनों के जिम नहीं गया, चलो भाई जिम जाओ एक्सरसाइज करो, लेकिन आप फिर उतना ही वेट उठाते हो तो वो मज़ा नहीं आता, धीरे धीरे उतने वेट में मज़ा नहीं आता, फिर वेट बढ़ाना पड़ता है तब मज़ा आता है, वरना लगता है यार ये तो कुछ किया ही नहीं, है ना। सेम चीज़ आपके इससे होता है, दिमाग के न्यूरॉन्स भी ऐसे ही हैं जिनको एक्टिविटी बढ़ानी पड़ती है। मैस्टर्बेशन की फ्रीक्वेंसी अगर बढ़ती है तो स्टिमुलेशन कम होता है, लेकिन अच्छी बात यह है कि जब गैप आ जाता है, चाहे 2 दिन का हो, चाहे 1 हफ्ते का हो, चाहे 1 महीने का हो, वो गैप के बाद आपकी सेंसिटिविटी बेटर होती जाती है, बिल्कुल उसी तरह जितना थोड़े दिन के बाद घर की दाल खाने से मज़ा आ जाता है, और एक मज़ा आ गया, वैसे ही मैस्टर्बेशन बंद करके कुछ दिनों बाद वापस करते हैं, कुछ हफ्तों बाद वापस करते हैं, तो वापस वही सेंसिटिविटी या वापस अच्छी खासी सेंसिटिविटी वापस आ जाती है। सो मैस्टर्बेशन से कोई मसल लॉस नहीं होता, कोई जिंक लॉस नहीं होता, कोई एनर्जी लॉस नहीं होती, वो बिल्कुल नहीं होती। ऐसा होता तो हर शादीशुदा मर्द शादी के बाद वीक होता जाता, वीक होता जाता, क्योंकि शादी के बाद कई लोग बार बार करते हैं, रेगुलर करते हैं। मैस्टरबेशन यंग एज में बहुत बार करते हैं लोग, एक यंग आदमी का रिफ्रैक्टरी पीरियड 15 से 20 मिनट का होता है, यंग बच्चे का 17, 18, 19, 20 साल के, तो वो तो दिन में तीन तीन चार चार बार, लिटरली हर हर आदमी ने तीन तीन चार चार बार अपनी ज़िंदगी में कभी ना कभी किया है, करते हैं जो लोग करते हैं, राइट। जिन लोगों को बचपन से नहीं पता वो अलग चीज़ है, राइट। सो दैट इज़ हाउ मैस्टरबेशन गोज, दैट इज़ हाउ द मैस्टरबेशन साइंस इज। और पॉर्न एडिक्शन, मैस्टरबेशन एडिक्शन भी यहीं पर होता है, डोपामिन से। इतना डोपामिन सीक्रेट हो रहा है, इतना डोपामिन सीक्रेट हो रहा है, बार बार आप कर रहे हो, बार बार कर रहे हो, कि वो साइकिल बन गया, आपका शरीर कहता है आज रिवॉर्ड नहीं मिला, आज डोपामिन नहीं मिला, तो आप फिर करते हो, आप फिर करते हो, लेकिन अब कर रहे हो डोपामिन के लिए, रिवॉर्ड के लिए, फीलिंग नहीं है आपको, फीलिंग है ही नहीं, स्टिमुलेशन है ही नहीं, अराउजल नहीं है, आप कर रहे हो सिर्फ वो आखिरी वाला मजे के लिए, वो हो गया एडिक्शन। सो इसीलिए मैस्टरबेशन करना प्रॉब्लम नहीं है, इट्स वेरी गुड, मैस्टरबेशन गुड है, लेकिन उस लेवल पे किया कि आपकी फीलिंग ही नहीं है आप कर रहे हो, देन इट इज एडिक्शन। आपके रोजमर्रा की लाइफ में अफेक्ट कर रहा है, देन इट इज एडिक्शन, राइट। अगर आप बिना फीलिंग के जबरदस्ती मैस्टरबेशन कर रहे हैं, यानी आपको इरेक्शन हो नहीं रहा लेकिन आप जबरदस्ती इरेक्शन करवा रहे हो पॉन देख के या स्टिमुलेट करके, देन इट इज अ प्रॉब्लम, कि वो मेथड सही नहीं है। मेथड सही क्या है? आपको फीलिंग आई, इरेक्शन हुआ, आपने कर लिया, दैट्स ओके। वो चाहे फिर रोज हो रहा है, कुछ दिन तक रोज हो सकता है, जिंदगी भर रोज फीलिंग थोड़ी आएगी, पागल थोड़ी हो, है ना। सो वो थोड़े दिन के लिए हो सकता है, 1 हफ्ते के लिए, बचपन में, जवानी में, फिर बाद में आप काम में मशरूफ हो गए, 1 आध हफ्ता नहीं किया, 1 महीना नहीं किया, मास्टरबेट नहीं किया, सेक्स नहीं किया, शादी के बाद भी कोई जिंदगी भर थोड़ी करता है। सो द पॉइंट इज दिस, कोई शक्ति खत्म नहीं हो रही, कोई कमजोरी नहीं हो रही। लोगों को गिल्टी फील क्यों होता है? गिल्टी फील होता है क्योंकि एक एक पहले से सोच बनाई गई है हमारे पूर्वजों की, जो सही भी है। भगवान ने ऐसे थोड़ी बोला कि इंसान हो, भगवान ने बोला इंसान इंसान बन के जाओगे, सिर्फ इंसान जो है वो शादी के बाद सेक्स करेगा, शादी के बाद मैस्टरबेट करेगा, उसके पहले सेक्स मैस्टरबेट नहीं करना, बाकी सारे जानवर जो है जब अकल आई, जब कहीं दूसरी कोई दिखा, शुरू हो सकते हो आप, बाकी सारे जानवर कहीं पे भी सेक्स कर सकते हो, किसी के साथ भी सेक्स कर सकते हो, उनको छूट है, इंसान को छूट नहीं है, इंसान शादी करके आएगा। भगवान ने नहीं बोला, इंसान ने बनाया, इंसान ने रूल बनाया ताकि ये रूल्स के आप सही चल सको, क्योंकि आपका दिमाग सही चल सके, नहीं तो आप उल्टी सीधे काम करोगे, हो सकता है कई लोग मिसलीड हो जाए, लड़कियों को गलत नज़र से देखे, रेप करने लगे, दिक्कतें करने लगे, जो करते हैं, इसलिए लोग बड़े होके भी, बड़े बड़े बूढ़े, बड़े जो हमारे ज्ञानी लोग हैं वो भी कहते हैं कि ये नहीं करना चाहिए, राइट। आप भी अपने बच्चों को, जब बच्चे पैदा होंगे, थोड़े बड़े होंगे, थोड़ा समझ आएगा, 5वीं में बच्चा जाएगा, उल्टी सीधे सुनेगा, आप थोड़ी बोलोगे बेटा चल बैठ मैस्टरबेशन कर, नहीं बोलोगे। सो बेसिक है, हर चीज़ का एक जगह है, हर चीज़ की एक ज़रूरत है, वैल्यू बनती है। नमक की एक वैल्यू है, जितना डालोगे उतनी ज़रूरत है, उतना डालना है, राइट। ज़्यादा डालोगे कड़वा हो जाएगा, नहीं डालोगे मज़ा नहीं आएगा,
सेम चीज़, फीका खाना खाओगे जी सकते हो, जी सकते हो, पर मजा आएगा नहीं। मैस्टर्बेशन सेक्स के बगैर जी सकते हो, जी सकते हो, मजा आएगा नहीं। ज्यादा मैस्टर्बेशन करोगे कड़वा हो जाएगा, कड़वा क्या होगा, दिमाग में सेंसिटिविटी बढ़ती जाएगी, सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी तो क्या प्रॉब्लम होगा, फिर एक्चुअल सेक्स में मजा नहीं आएगा, फिर पार्टनर से फीलिंग नहीं आएगी, फिर फीलिंग नहीं आएगी तो पार्टनर वो स्पीड, वो मैस्टर्बेशन की इंटेंसिटी पैदा नहीं कर पाएगा, फिर झगड़े होंगे, फिर आपको नेगेटिव फीलिंग आएगी, फिर दिक्कत होगी। और ये सोच के बैठे हो कि मैस्टर्बेशन मेरा शरीर खराब होगा, शरीर खराब होगा, शरीर खराब होगा, एक इंसान जो रोज सोच रहा है मैं गलती कर रहा हूँ, मेरा शरीर खराब हो रहा है, उसको वीकनेस भी आएगी, उसको दिक्कतें भी आएगी, मैस्टर्बेशन की वजह से नहीं, उस सोच के वजह से, उस सोच के वजह से। सो प्रॉब्लम इज दैट फीलिंग, दैट थिंकिंग। मैस्टर्बेशन से कोई नुकसान नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, रेगुलर करने से कोई प्रॉब्लम नहीं, रैदर फायदा है। जी हाँ, रेगुलर मैस्टर्बेशन से देखा गया है आपको प्रोस्टेट प्रॉब्लम कम होती है, प्रोस्टेट कैंसर कम होते हैं, ये रिसर्च में प्रूवन है। आपको नींद अच्छी आती है, आपका डिप्रेशन ट्रीट होता है, मैस्टर्बेशन में जो फीलिंग आती है, जो रिलैक्सेशन मिलता है, वो इक्विवेलेंट है मेडिटेशन के रिलैक्सेशन के साथ। जी हाँ, लेकिन कभी कभी, रोज नहीं, राइट, रोज नहीं मतलब बिना फीलिंग के नहीं, प्रॉपर मैस्टर्बेशन मतलब बेसलाइन। लोग बोलेंगे, अभी सवाल आएंगे, सर कितना करना चाहिए, कितना गैप होना चाहिए, मैं पहले बता रहा हूँ, करना कितना चाहिए, जब फीलिंग है तब करो। मतलब अगर आपका इरेक्शन आ रहा है, इरेक्शन आ रहा है बिना किसी एक्सटर्नल स्टिमुल, बिना हाथ लगाए, बिना पॉन देखे, बिना कुछ करे, इरेक्शन आ रहा है तो आप कर सकते हो। अगर इरेक्शन नहीं है तो जबरदस्ती मैस्टर्बेशन मत करो। इरेक्शन आ रहा है मतलब फीलिंग है, सिंपल है कि नहीं? फीलिंग नहीं है तो क्यों कर रहे हो, बहुत सिंपल सी चीज। और हर बार इरेक्शन आए तो करना जरूरी नहीं, कब इरेक्शन आए भागो भागो दौड़ो दौड़ो, ऐसा नहीं है। कई बार आप सोशली कई जगह पे होते हैं, इरेक्शन आ गया उसको रोक भी सकते हैं। सो इरेक्शन है, मैस्टर्बेशन करो, नहीं करना मत करो, इट्स अप टू योर चॉइस, राइट। लेकिन उसको दिमाग में मत चढ़ाओ कि रोज ही करना है, 4 बार ही करना है, 10 बार ही करना है, राइट, हफ्ते में 1 बार करना है, वही रूल है। देयर इज नो रूल हियर, देयर इज नो रूल हियर, ठीक है। You don't lose any nutrient in masturbation. You don't lose energy. You don't lose zinc. Don't lose anything. वो सब बकवास है, right? शादी से लेके बच्चा पैदा करने तक, अगर 9 महीने वाइफ प्रेग्नेंट होती है तो पूरे 6 महीने 8 महीने आप सेक्स नहीं करते हो। आप सेक्स करते हो तो आप जिंक लूज करते हो, आपको सेक्स नहीं करना चाहिए। लोग कहते हैं बॉडी नहीं बनती, पॉन में देखो जाके, कोई भी पॉन वीडियो देखो, सारे बॉडी बिल्डर भरे पड़े हैं उसमें, वो बॉडी बिल्डर रोज वहाँ पॉन में कहीं ना कहीं सेक्स कर रहे होते हैं, उनकी तो बॉडी वैसे ही खत्म हो जानी चाहिए, बिल्कुल फुस हो जानी चाहिए, ऐसा नहीं होता, वो सब गलत है, राइट। पहले जमाने में राजा महाराजाओं के 100-100 1000-1000 बीवियाँ होती थी, वो 1000-1000 बीवियों के साथ फिर भी रंग जंग लड़ते थे, ये हृष्ट पुष्ट होते थे, धृतराष्ट्र जी के 100 बेटे, ये वो ये, आपको क्या लगता है वो उन्होंने बस जिंदगी में एक ही बार सेक्स किया था एक बंदे से? इट्स ऑल इन द माइंड, इट्स ऑल इन द माइंड, व्हाट यू बिलीव कम्स ट्रू इन द प्रोपोर्शन ऑफ योर बिलीफ ऑन इट। सो गलत चीज़ों को गलत मत करो, गलत चीज़ों को गलत मत बनाओ। जी हाँ, आपके पूर्वज सही थे कि आपको ये नहीं मानना चाहिए कि मैस्टर्बेशन अच्छा और खुल के करना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि आज के डेट में लोग डिप्रेस हो जाएं कि मैंने मैस्टर्बेशन कर लिया, मेरे से पाप हो गया, मेरे से नेगेटिव फीलिंग आ गई, दैट इज रॉन्ग। अब हम लेते हैं सवाल, सवाल ले रहे हैं, लेकिन सवाल में प्रॉब्लम ये आ गया है कि सवाल पूरे घूम से गए हैं और सवाल सारे घूम गए हैं। क्षमा चाहता हूँ, लेकिन नर्व्स वर्सेस सीमेन पतला, नर्व्स वर्सेस सीमेन पतला, ये सवाल मुझे समझ नहीं आया। मैं सवाल ले रहा हूँ अभी फटाफट। सो ओके, कीटो डाइट इज़ बैड फॉर किडनी? यस, इट इज़ बैड फॉर किडनी। आई हैव स्किन प्रॉब्लम, सो कैन आई सेंड माई फोटो? डॉकवाइज एप्लीकेशन पे भेज दीजिए। माई फादर हैज़ ब्लड इन स्टूल, डिड इट, इज इट डेंजरस? येस, इज इट डेंजरस। मैस्टर्बेशन के सवाल पूछिए, मैस्टर्बेशन पे मुझे पहले 10 सवाल यहाँ दिख नहीं रहे, आई एम सॉरी, तो मैं मैस्टर्बेशन के सवाल ज़्यादा लेता हूँ, रैंडम सवाल दे देता हूँ, ठीक है। सो वेट लॉस, हाउ टू नो वेदर इट इज़ फैट लॉस और लिक्विड लॉस? अगर आपका वेट लॉस कॉन्स्टेंट है तो वो फैट लॉस है, अगर वो कॉन्स्टेंट नहीं है तो वो लिक्विड लॉस है, वेरी सिंपल, ठीक है। कॉन्स्टेंट का मतलब अगर वापस आ गया तो, लिक्विड लॉस वापस नहीं आता, राइट। अंडरवेयर पहनना सोते समय नेसेसरी नहीं है, अंडरवेयर बहुत ज़्यादा टाइट होगा तो वो आपके टेस्टिकल्स पे प्रॉब्लम करेगा, ठीक है।
और सवाल, इंटरेस्टिंग सवाल, डिप्रेशन कॉजेज दीज डेफिशिएंसीज, व्हाट डेफिशिएंसीज? डिप्रेशन से डेफिशिएंसी नहीं होती है, डिप्रेशन से बॉडी खाना नहीं खाने का मन करता, डिप्रेशन से ये होता है, डेफिशिएंसी डिप्रेशन से नहीं होती। आप डिप्रेस्ड हो, आपका खाना खाने का मन नहीं कर, आप खाना नहीं खाओगे, ठीक से खाना नहीं खाओगे तो डेफिशिएंसी होगी, वो साइकिल वैसा अलग है, राइट। हॉस्पिटल आप आ सकते हो, हॉस्पिटल आ सकते हो, मॉर्निंग इजेक्शन नहीं आ रहा, इरेक्शन नहीं आ रहा तो अपने बताए, तो मॉर्निंग इजेक्शन, इरेक्शन नहीं आ रहा तो डरो मत, रोज नहीं आता है, कभी कभी आएगा, कुछ दिन रुक जाओ आ जाएगा, डोंट फील बैड अबाउट इट, उसके लिए कॉन्शियस मत हो जाओ। स्ट्रेस इज द बिगेस्ट कॉज, स्ट्रेस होता है तभी आपको दिक्कत आती है, राइट। मैस्टर्बेशन से मैन बूब्स नहीं होते, बिल्कुल नहीं होते। डज इट इफेक्ट चिल्ड्रन बर्थ? कतई भी नहीं। मैस्टर्बेशन से बच्चे पैदा करने की क्षमता, स्पर्म काउंट या किसी चीज में कोई फर्क नहीं पड़ता, बट ये याद रखो कि अगर आप बच्चे पैदा करना चाहते हो तो एक दो दिन रुक के स्पर्म्स को गाढ़ा होने दो। गाढ़ा का मतलब ये नहीं है कि वो रोज के हजारों मिलियन स्पर्म्स बन रहे हैं आपके, रोज के हर सेकेंड हजार से ज्यादा, हर सेकेंड हजार से ज्यादा स्पर्म्स बन रहे हैं, मेच्योर हो रहे हैं, तो जो निकलता है उसमें मिलियन ट्रिलियंस होते हैं, फिर वो इकट्ठे होते जाते आते जाते लाइन में लगे पड़े हैं। सो डरो मत, स्पर्म्स कम नहीं हो रहे, लेकिन आपकी सोच कमजोर होगी, आपका शरीर कमजोर होगा, प्रोटीन कम होगा, तब वो प्रॉब्लम आएगा, क्योंकि शरीर में अगर प्रोटीन ही कम होगा तो शरीर पहले जो चाहिए वो बनाएगा ना, वो सब बाद में बनाएगा, बाल बाद में बनाएगा, बाल और बाकी चीजें बाद में बनाएगा, स्पर्म्स थोड़े कम बनाएगा लेकिन आपको जिंदा रखेगा, इसलिए प्रोटीन ज़्यादा खाओ। टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाने का तरीका मेरे वीडियोस में दिया हुआ है, टेस्टोस्टेरोन वाला वीडियो देखो। मैस्टर्बेशन की एज बताओ सही? कोई एज नहीं है, आप कभी भी कर सकते हो जब आपका मन करे, ऐसी कोई लिमिट नहीं है मैस्टर्बेशन की। ऑब्वियसली छोटे बच्चे नहीं करते, उनको मज़ा भी नहीं आएगा, वो सिर्फ सुन लेते हैं तो उनको अब लगता है ओ ये क्या है, ट्राई करो, लेकिन उनको जब प्यूबर्टी होती है, जब एक्चुअल टेस्टोस्टेरोन निकलता है, प्रॉपर टेस्टोस्टेरोन प्यूबर्टी होती है प्रॉपर, तब जाके उनको फिर एक्चुअल ऑर्गेजम में मज़ा आना लग, ऑर्गेजम आने लगता है। ऑल राइट, नाइट फॉल बैड और गुड? नाइट फॉल के ऊपर डिटेल वीडियो, इट्स एब्सोल्युटली नॉर्मल, इट्स नॉट बैड, इट्स नॉट गुड, इट्स नॉर्मल, राइट। ठीक है, फिर मास्टरबेशन, मास्टरबेशन हाउ टू रिमूव, हाँ मास्टरबेशन से मेमोरी लॉस होता है? कतई भी नहीं, मेमोरी लॉस का कोई लेना देना नहीं है। सी मास्टरबेशन से पहले ना तो मास्टरबेशन से टेस्टोस्टेरोन कम होता है ना तो बढ़ता है, बेसिक टेस्टोस्टेरोन बढ़ता है आपकी फीलिंग से, अगर आपको फीमेल के थ्रू फीलिंग आएगी, फीमेल के लिए फीलिंग आएगी, तो आपकी फीलिंग उस तरीके की होनी चाहिए कि मैं वो फीमेल को पा सकता हूँ, ये नहीं कि हाँ जस्ट मुझे वो मिल जाए, वैसे नहीं। अगर आप उस फीमेल को पाना चाहोगे तो आप उसके लायक बनना चाहोगे, उसके लिए टेस्टोस्टेरोन स्टिमुलेट होता है कि आपको और हृष्ट पुष्ट मस्कुलर बनाए, इसलिए नहीं बनता है कि हाँ सिर्फ उसके साथ एक बार सेक्स कर लो, वो आपके लिए गलत चीज़ है कि भाई हाँ मेरे को सिर्फ वो मिल जाए, आज के डेट में वो गलत फीलिंग आती है। मजा आ रहा है तो लाइक भी दबा दिया करो दोस्तों। मैस्टरबेशन से हाइट नहीं बदलती, बिल्कुल भी नहीं बदलती, कतई गलत बात है ये, कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। क्या है क्या सर, सेक्स टाइम को कैसे इंप्रूव करें? अब मैं नीचे ले रहा हूँ, नीचे लिखते जाओ, जैसे जैसे सवाल आ रहे हैं मैं पढ़ता जाऊंगा, ठीक है। अगर आपका सवाल ऊपर चला गया मैं ढूंढ नहीं सकता, नीचे लिख दो। सेक्स टाइम को बढ़ाने के लिए आपको देखो, जब आप रेगुलर सेक्स करते हो आपका टाइम ऑलरेडी बढ़ता जाता है आपका, क्योंकि सेंसिटिविटी कम होती जाती है तो सेक्स टाइम बढ़ता जाता है, इसलिए वो अपने आप बढ़ेगा। अगर आपको नहीं उससे फर्क पड़ रहा तो चेंज द, रुक रुक के करो, प्री मैच्योर इजैकुलेशन वाला वीडियो देखो, उसमें स्टार्ट एंड स्टॉप मेथड है, पोजीशन चेंज करो, इसमें बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करोगे तब आपको समझ में आएगा, राइट। वेट गेन के लिए अलग से, फैटी लिवर के लिए अलग से वीडियो ऑलरेडी है, वो जाके देखिए प्लीज़। एनल सेक्स के बारे में कुछ बताए? होमोसेक्सुअल मेल्स, एनल सेक्स इज होमोसेक्सुअल मेल्स हैं, उनकी चॉइस है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज लुब्रिकेशन, लुब्रिकेशन रखना है, मल्टीपल सेक्स पार्टनर नहीं करना है, लुब्रिकेशन नहीं यूज़ करोगे तो इंजरी हो जाएगी, दिक्कत हो जाएगी, वो बहुत ज़रूरी है एनल सेक्स के लिए। और बार बार फीलिंग आना खराब नहीं है, बिल्कुल खराब नहीं है, ये फिर ये होता है कि आपने अगर फीलिंग को प्रॉपरली वो नहीं किया, एग्जीक्यूट नहीं किया, मैस्टरबेट नहीं किया, सेक्स नहीं हुआ, तो बार बार फीलिंग वो आपकी सेटिस्फाई नहीं हो रही है, दैट्स वाई बार बार फीलिंग आ रही है। देखो मैस्टरबेशन में 30 मिनट्स लगा देना गलत तो नहीं, बिल्कुल गलत नहीं है, ये तो आप हर एक का अलग अलग हिसाब है, राइट। वुमेन को प्रेग्नेंट करने के लिए उनकी साइकिल्स प्रॉपर मैं देखनी होती है कि वो कब ओव्यूलेट कर रहे हैं, उस ओव्यूलेशन के दौरान उस हफ्ते उस कुछ दिनों में अच्छे से सेक्स करना होता है, और उसके कुछ दिन पहले 3 4 दिन पहले आपको रुकना है, बहुत सिंपल है। जब महीना शुरू हुआ उसके 14 दिन के बाद 15 20 दिन, किसी किसी के अलग अलग साइकिल होती है, उसके लिए नेचुरल फैमिली प्लानिंग वाला मेरा वीडियो देखो, उसमें आपको समझ में आएगा, राइट।
इट डज नॉट, मैस्टर्बेशन डज नॉट अफेक्ट स्पर्म काउंट और क्वालिटी, रैदर रिसर्च बताती है जो लोग रेगुलर मैस्टर्बेशन करते हैं, रेगुलर, रोज की बात नहीं कर रहे, रेगुलर मतलब महीने में 3-4 बार, 5-6 बार, 10 बार, या हफ्ते में 1 बार 2 बार, वैसे लोगों का स्पर्म ज़्यादा फास्ट होते हैं, दे आर मोर एक्टिव देन अदर पीपल, राइट, बिल्कुल फास्ट होते हैं, स्पर्म काउंट कम नहीं होते। देखिए, एक बार मैस्टर्बेशन किया, एक बार मैस्टर्बेशन के कितना सारा आपका सीमेंस निकलता है, उसके बाद थोड़ा कम निकलता है अगली बार इमिजिएटली, तो ऐसा नहीं है कि वो अगले दिन 2 दिन के बाद फिर वापस निकल जाता है, सो वो इकट्ठा होने को थोड़ा वक्त लगेगा बस। तो वो पहला वाला आपको यूज करना है, कुछ स्पर्म काउंट कम नहीं होता है, अगर आप दिमाग नहीं लगाओगे, पहले वाला पहले मैस्टरबेट कर दोगे और दूसरे वाला सैंपल दोगे टेस्टिंग के लिए, तो दूसरे वाले में तो कम आएगा ही आएगा, समझ रहे हो? क्वेश्चंस पूछते जाओ ध्रुव जी, यहाँ पर क्वेश्चंस ही लिखे हुए हैं। रोज करना चाहिए या नहीं, कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, अगर फीलिंग है तो, अगर फीलिंग है तो रोज भी कर सकते हो, लेकिन जिंदगी भर रोज कोई नहीं कर सकता। अगर आप जिंदगी भर रोज कर रहे हैं तो आप अपने साइकिल जो है आपके अंदर बिना फीलिंग के अगर आप कर रहे हो, देन यू आर जस्ट फीडिंग योर रिवॉर्ड सेंटर। आपको मैस्टर्बेशन करने के बाद जो रिवॉर्ड मिलता है बस वो पसंद है, फीलिंग वीलिंग कुछ नहीं है, इसलिए आपको पॉर्न देखना पड़ता है, बार बार पॉर्न देखते हो, बार बार स्टिमुलेट करते हो, तो जाके आपका इरेक्शन होता है और फिर आप मैस्टर्बेशन करते हो, दैट इज रॉन्ग, दैट इज वॉट इज कॉल्ड एज एडिक्शन, वो मैस्टर्बेशन का एडिक्शन है, नॉर्मल वो एडिक्शन है और वो प्रॉब्लमेटिक है, वरना कोई प्रॉब्लमेटिक चीज नहीं है। पॉर्न देखने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन पॉर्न देखने से क्या होता है, एक तरीके का वो ड्रग है, एक तरीके की ड्रग जैसी चीज़ है, क्योंकि पॉर्न देखने से आपको वही एक डोपामिन जैसा फ्री मिलता है और आपकी सेंसिटिविटी बढ़ती जाती है। पहले के ज़माने में थोड़े से पैर भी दिख जाए मूवीज में लोगों को तो मज़ा आ जाता था, अब मूवीज में सब कुछ दिखता है लेकिन वो मज़ा नहीं आता, वो फिर भी, ये बहुत सिंपल सी चीज़ है, ये सब एक्सपोजर का है, जितना अपने दिमाग को आप देते जाओगे उसको सिंपल चीज़ों से मज़ा नहीं आएगा। सो आपको देखना है कि जो ओरिजिनल चीज़ आपके सामने है, जो शादी होनी है, शादी के बाद आपके सामने वाइफ आनी है, उन वाइफ के साथ में आपको अपने प्लेजर ज़्यादा अचीव करने हैं, रैदर देन आर्टिफिशियल इन 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 इसमें चले जाओ। तो ऑब्वियसली इसको थोड़ा बहुत कर लेना कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इसको बार बार इसी को यूज़ करना, इसी पर डिपेंड होना गलत है, दैट्स हाउ द थिंग इज। महीने में एक बार करोगे कोई दिक्कत नहीं है। प्री मैच्योर इजैकुलेशन का वीडियो आ चुका है, वो नॉर्मल है। प्री मैस्टरबेशन करके जिम जाना अच्छी बात नहीं है, मैस्टरबेशन करने के बाद जिम जाना, क्योंकि आपका उस समय नींद आ रही है, कायदे से थोड़ा सा स्टिमुलेशन होता है, लेकिन उसके बाद अगर आप किक ऑफ करना चाहो तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि नहीं बहुत ज़्यादा, लेकिन इट्स नॉट द बेस्ट थिंग कि मैस्टरबेशन करने के बाद जिम जाए। मैं सेमिनार मैस्टरबेशन, सर मुझे फीलिंग आती है, कम में लगा रहता हूँ, तो मुझे आयुर्वेदिक डॉक्टर ने बताया कि मत करना, परेशान हो रिप्लाई करना। देखिए, आयुर्वेदिक डॉक्टर भी एक, वो उन्होंने भी वही पढ़ा है, वही चीज़ें हैं कि मत करो मत करो, अब वो आपकी मर्जी है, आपको करना है कि नहीं करना है। अगर आपको करने से नेगेटिव फीलिंग आ रही है तो अल्टीमेटली आप अपने बॉडी को नेगेटिव इम्पैक्ट दोगे, नेगेटिव फीलिंग से प्रॉब्लम होगी, उससे वीकनेस आएगी, मैस्टरबेशन से नहीं आएगी, राइट। आप एक काम करके देख लो, एक बंदा मैरिड लाइफ के बाद 1 महीना रोज सेक्स कर सकता है, एक बंदा नेगेटिव फीलिंग के साथ 1 महीना रोज मैस्टरबेट कर सकता है, दोनों में से जिसको प्रॉब्लम होगी वो मैस्टरबेशन वाले को होगी, क्योंकि वो नेगेटिव फीलिंग के साथ करेगा तो उसको फीलिंग खराब आनी शुरू हो जाएगी, सिंपल है, इट्स ऑल अबाउट फीलिंग, राइट। अगर बॉडी बनानी है तो मैस्टरबेशन बंद करना पड़ेगा, एब्सोल्युटली नहीं, ये कहाँ से आ गया यार, जब तुमको बड़ा पॉर्न मूवीज जाके देखो यार, वो बॉडी बना बना के बैठे हैं, वो पॉर्न में सेक्स कर रहे हैं, मैस्टरबेट कर रहे हैं, तो वो लोगों का क्या है, उन लोगों की क्या बॉडी नहीं बनी? बिल्कुल बनी है, मैस्टरबेशन का बॉडी से कोई लेना देना नहीं है, मैस्टरबेशन इज गुड, वो आपको रिलैक्स करती है, आपके रैदर स्पर्म की स्पीड बढ़ती है, आपको लंबे समय में प्रोस्टेट कैंसर होने के चांसेस कम हो जाते हैं, आपके बॉडी के अंदर रिलैक्सेशन, एक रिलैक्सेशन जैसा फीलिंग आती है, तो मैस्टरबेशन इज गुड, बट लिमिटेड में, नमक जितना यूज करना पड़ता है, नमक ज्यादा हो जाए तो दिक्कत, बता चुका हूँ यार मैं। मैस्टरबेशन गिल्ट क्यों? क्योंकि आप बाकी सारी चीजों से कंफ्यूज्ड हो और कुछ नहीं, इट्स ऑल कंफ्यूजन, वो कंफ्यूजन है। जैसे कि अगर मान लो आपको किसी ने कह दिया आपकी बीवी का किसी के साथ चक्कर है, खत्म, आपको बिलीव हो गया, चाहे चक्कर हो या ना हो, तो आपको फिर अपनी बीवी के साथ वो फीलिंग आएगी, वो गिल्ट आए, वो दिक्कत आएगी, नहीं आए, तो वही चीज है यहां पर, आपको शक बैठ गया है आपको कि हाँ मैस्टरबेशन गलत है, इसलिए आपको उसके साथ बिल्कुल रिलेशनशिप बनाना नहीं है, सिंपल एज अ पिंपल, ठीक है, ये चीज है। इरेक्शन प्रॉब्लम एज 22 क्यूब रूम, एब्सोल्युटली क्यूरेबल, प्रॉब्लम का जड़ पकड़ो, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का मेरा वीडियो देखो,
राइट, अश्वगंधा से कुछ फायदा होता है सेक्स में? अश्वगंधा आपका स्ट्रेस रिलीविंग, बेसिक स्ट्रेस कम करने वाला एक दवा है। उससे स्ट्रेस कम होगा, नींद अच्छी आएगी, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा, तो ऑब्वियसली फायदा होगा। स्ट्रेस इज द बिगेस्ट एनिमी। स्ट्रेस के वजह से ही आपका मैस्टर्बेशन में प्रॉब्लम होते हैं। पॉर्न स्टार्स हैव कंटिन्यू सेक्स फॉर हाउ लॉन्ग? ये क्या बात हुई, ये तो पॉर्न स्टार से जाके पूछो, हर एक का अलग अलग है, मुझे क्या पता। डज मैस्टर्बेशन अफेक्ट स्पोर्ट्स? नो, मैस्टर्बेशन रेगुलरली करो, डोंट मेक इट अ हैबिट, डोंट मेक इट एन एडिक्शन। फिर मैं वही बोल रहा हूँ, रेगुलर करने में कोई दिक्कत नहीं है। नहीं करोगे तो आपका नाइटफॉल होंगे, नहीं करोगे तो आपका बॉडी अंदर से एब्जॉर्ब कर लेगा, कोई मेजर फायदा नहीं होने वाला। एक मैन बूब्स मैस्टरबेशन से नहीं होते, बता चुका हूँ। लिंग मोटा होता है मैस्टरबेशन से? कतई भी नहीं, लिंग मोटा नहीं होता मैस्टरबेशन से, ना ही लंबा होता ना मोटा होता मैस्टरबेशन से। लिंग में सूजन आ सकती है, अगर बहुत ज़्यादा एग्रेसिव मैस्टरबेशन किया तो दुखने लगेगा, सूजन आ जाएगी, वो अलग चीज़ है, वो दुखने अलग है, वो ट्रॉमा है, वो इंजरी है। सर दिमाग में नेगेटिव थिंक कैसे निकाले? अब ये तो आपको पॉजिटिव सोच के निकालोगे ना। जैसे अब ये बात होगी कि बीवी के लिए शक आ गया, बीवी के लिए शक आ गया है, उसको कैसे निकाले, तो उसकी कोई दवा थोड़ी है, उसको तो आपको ही निकालना पड़ेगा। सेम चीज ये है, दिमाग में नेगेटिव फीलिंग आ गई, उसको तो आपको ही निकालना पड़ेगा, उसको कोई और नहीं निकाल सकता, ठीक है। हाइट क्या है? पिंपल नहीं होते मैस्टरबेशन से, फिर बता चुका हूँ मैं, कई बार बता चुका हूँ। सेक्स टाइम इंक्रीज करने के लिए आपको सेक्स कभी कभी बीच बीच में रोक के करो, रोज रोज करोगे तो नहीं, रोज रोज भी करोगे तो थोड़े दिनों बाद टाइम बढ़ता जाता है। तो और सेक्स टाइम इंक्रीज करने के लिए स्टार्ट एंड स्टॉप मेथड, प्री मेच्योर इजैकुलेशन वाला मेरा वीडियो देखो। वेट चेंज नहीं होता मैस्टर्बेशन से, रादर एनर्जी बर्न होती है, तो वैसी वेट कम होगा। मोटा मोटा और लंबा कैसे करे, वो अलग वीडियो है, पेनिस एनलार्जमेंट का वीडियो मेरे FAQ चैनल पे बनाया हुआ है, वो देखो जाके। एक्सप्लेन द प्रॉब्लम ऑफ ब्लड इन स्टूल, वो अलग है यार, वो ब्लड इन स्टूल अलग से एक वीडियो आएगा। आई गेट लेट इजैकुलेशन वाइल हैविंग सेक्स, सेक्स इज दैट अ प्रॉब्लम? ये प्रॉब्लम होता है, बहुत ज़्यादा सेंसिटिविटी बढ़ जाए तो आपको सेक्स के दौरान मज़ा नहीं आता, और मज़ा नहीं आएगा तो वो एस्केलेट नहीं होता उतना कि आपको इजैकुलेशन हो जाए, तो वो मज़ा ही नहीं आता, वो कई लोगों का फिर होता ही नहीं है इजैकुलेशन, तो वो चीज़ एक चीज़ है, ठीक है। हील पेन के लिए अलग से मेरे पास वीडियो है, वो जाके देखिए, हील पेन ज़्यादा हो रहा है तो। मास्टरबेशन अच्छा, आपको नाइटफॉल नहीं हो रहे तो नॉर्मल है जी? हाँ नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं है, आपकी बॉडी उसको एब्जॉर्ब कर ले रही है, अच्छी बात है। हो सकता है आप खाना कम खाते हो, आपके अंदर प्रोटीन कम है, तो बॉडी कह रही है भाई कुछ भी खाए के लिए बाहर फेंकू, सब 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 चाहिए मुझे, तो ऐसे डरो मत, कुछ नहीं होता। टाइमिंग इंक्रीज करने की कोई दवा नहीं आती है, टाइमिंग इंक्रीज करने के तरीके होते हैं। यू शुड बी मोर कॉमिकल, और कितना कॉमिकल हो भाई, एक्सप्लेन द प्रॉब्लम। ये तो हो गया भाई, प्लीज़ एक वो ब्लड स्टूल का अलग से वीडियो है, आएगा, डोंट वरी। वो यहाँ कैसे कैसे समझाऊँ, डिफरेंस बिटवीन मिल्क A1 A2, ये अलग वीडियो आएगा, डोंट वरी। हॉस्पिटल हॉस्पिटल यशोदा हॉस्पिटल नेहरू नगर गाजियाबाद में आके मुझसे मिल सकते हो। स्पर्म 2 या मोर देन 2 महीने तक प्रिवेंट किए रहे तो क्या स्पर्म एक्टिव रहेंगे? ऑब्वियस ऐसा कुछ नहीं है, 2 महीने तक स्पर्म रुके नहीं रहते एक जगह, ये गलत कॉन्सेप्ट है, आपको एनाटॉमी का पता है ना कुछ अभिषेक जी? स्पर्म अगर इतने दिन रखोगे तो एब्जॉर्ब हो जाएंगे, आपके स्पर्म वहां नहीं रहेंगे, छुपके बैठे रहेगा, 2 महीने हो गए यार कुछ किया ही नहीं हमने, ऐसा नहीं होता। वो स्पर्म और सीधा रखते, हट मैं नहीं दी, इससे अच्छा तो मर जाना अच्छा है। वो मर जाते हैं, वो मर जाते हैं, एब्जॉर्ब हो जाते हैं। वो कहते हैं यार अंदर काहे रख रहे हो मुझे, ये है। फ्रीक्वेंटली मैस्टर्बेशन की वजह से इंटरेस्ट कम हो गया, एग्जैक्टली यही प्रॉब्लम है। व्हाट टू डू, वेट, अपनी पूरी लाइफ से सेक्सीनेस हटा दो, सेक्सी वीडियोस, सेक्सी मूवीज, यूट्यूब में सेक्सी, वो सारे उसमें चाइल्ड लॉक लगा दो, और थोड़े दिन इसको कुछ मत करो। इवन वाइफ को बोलो कि थोड़े दिन स्टिमुलेट ना करें, एंड आफ्टर दैट यू विल सी, एक दिन एकदम से, एक आध महीने के बाद लेट हर, आस्क हर टू लूज सम वेट, गेट अ लिटिल मोर सेक्सी इंटरेस्टेड। जब दूसरा कुछ सेक्सी नहीं दिखेगा तो वाइफ भी आपको सेक्सी दिखेगी, ये प्रॉब्लम है। आप सीधा वाइफ को कंपेयर करते हो पॉर्न मूवीज की सेक्सी लड़कियों से, या कतरीना कैफ की टांगों से, तो वो सब चीज़ों से कंपेयर करोगे तो आपको वाइफ में कहाँ अच्छा लगेगा कुछ, अगर वाइफ वैसी नहीं है तो। सो दैट्स योर प्रॉब्लम, यू आर गेटिंग दैट, है कि नहीं? प्री मैरिटल इजैकुलेशन पर वीडियो ऑलरेडी है भैया, देख लो। मैस्टरबेशन से एडिक्ट होने से इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो सकता है? हो सकता है, मैस्टरबेशन से एडिक्ट होने से इरेक्टाइल डिस्फंक्शन नहीं होता, बट इरेक्शन आना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि
आपको फीलिंग ही नहीं आएगी ना, जब आपको वाइफ को देख के फीलिंग नहीं आएगी, एडिक्शन आप मैस्टरबेशन से हो, पॉर्न देखे बगैर मजा नहीं आता, तो फिर विदाउट दैट स्टिमुलेशन आपको इरेक्शन नहीं आएगा, समझ रहे हो? वो हाई स्टिमुलेशन चाहिए फिर। मैस्टरबेशन ना करे और वर्कआउट काफी अच्छा हो तो व्हाट्स द रीजन? वर्कआउट तो है, अच्छा हो तो है, व्हाट्स द रीजन? ये क्या क्वेश्चन हुआ मनोज जी? क्वेश्चन समझ नहीं आया। खाने के बाद प्रेशर बनता है, प्रेशर बनता है खाने के बाद? कोई बात नहीं, दैट्स नॉर्मल, सबको बनता है, किसी का जल्दी किसी के बाद। क्या मेंस्ट्रुअल कप अनमैरिड गर्ल्स के लिए सेफ है? जी हाँ सेफ है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, सेफ है। सर एडिक्शन से प्रॉब्लम बताओ? एडिक्शन के प्रॉब्लम है ना भैया, आप आज एडिक्ट हो जाओगे, कल वाइफ के साथ सेटिस्फाइड नहीं कर पाओगे, आगे आपकी सेक्स लाइफ अच्छी नहीं होगी, तो क्या फ़ायदा है एडिक्ट होने का? किसी भी चीज़ से एडिक्ट होने का फ़ायदा नहीं है, है ना? सो एडिक्शन से बिल्कुल बिल्कुल, सबसे बड़ा प्रॉब्लम रिलेशनशिप प्रॉब्लम, सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है। और एक ज़माने मतलब उससे ज़्यादा, उससे ज़्यादा, उससे ज़्यादा स्टिमुलेशन कहाँ से लाओगे? इतना दुनिया में नहीं है स्टिमुलेशन जितना आपको एडिक्शन से होता जाएगा। सर मुझे हाउ टू कंट्रोल स्ट्रेस, स्ट्रेस के ऊपर अलग से मीडिया, डस फीमेल इजैकुलेशन ड्यूरिंग एन ऑर्गेजम लाइक अ मेल्स? ऑब्वियसली बिल्कुल, फीमेल्स के तो मल्टीपल इजैकुलेशन होते हैं। सो मेन चीज समझो, अगर आपको वाइफ को, फीमेल को सेटिस्फाई करना है, तो आपका सेक्सुअल इंटरकोर्स शुरू होना चाहिए आपकी फीलिंग से, लेकिन प्रायोरिटी आपको होनी चाहिए हर सेटिस्फैक्शन। अगर आपका सेटिस्फैक्शन, अगर आपका प्रायोरिटी होता है उनका सेटिस्फैक्शन, क्योंकि आपका तो एक बार ही ऑर्गेजम होगा, लेकिन फीमेल्स का मल्टीपल टाइम ऑर्गेजम हो सकता है, तो अगर आपको उनको पहले ऑर्गेजम्स अचीव करवा के फिर आप अपना ऑर्गेजम की तरफ जाओगे, तो शी विल ऑल्सो हेल्प यू इन दैट, और वो चीज़ सबसे बेस्ट, आपकी सेक्स लाइफ अच्छी रहेगी, ये बात याद रखो। डज मैस्टरबेशन मेक्स मैन थिंकिंग रॉन्ग फॉर वुमेन? नो, मैस्टरबेशन से मैन की थिंकिंग रॉन्ग कैसे होगी? एक अगर आपकी प्योर फीलिंग है कि हाँ ऐसी चीज़ मेरे साथ होने वाली है लाइफ में जब मैं ऐसा कुछ करूँगा, वो फीलिंग को प्री मेच्योर सोच लेने से रॉन्ग थोड़ी हो जाती है फीलिंग। अगर किसी लड़की को, किसी के लड़के का हाथ पकड़ने के बारे में सोचने की जगह उसका हाथ पकड़ने की जगह उसके हाथ पकड़ने के बारे में सोचा, तो ऐसा थोड़ी है कि हाँ आप गलत हो गए, आप गलत हो गए। नहीं, आपको आपकी लिमिट पता होना चाहिए ना, ये नहीं कि हाँ आज मैस्टरबेशन के बारे में सोच रहे हैं और कल जानवरों को जैसे जाके किसी भी लड़की को पकड़ लिया, तो वो गलत है। आपको अपनी सोसाइटी के बारे में सोचना ज़रूरी है। यार स्टडी में, यार स्टडी स्टडी मेरा नीचे लिंक में पढ़ो, नीचे सब लिखा हुआ है, स्टडी कौन सी करी है, क्या है। कीगल एक्सरसाइज से बेनिफिट होता है या नहीं? मैस्टरबेशन में नहीं, कीगल एक्सरसाइज का कोई खास बेनिफिट नहीं है, फीमेल्स के लिए बेनिफिट है, फीमेल्स की वजाइनल टाइट हो सकती है। मैस्टरबेशन ना करे तो अच्छा है क्या? नहीं जी, ऐसा कोई चीज़ नहीं है कि मैस्टरबेशन ना करे तो अच्छा है। जैसे बिना नमक का खाना अच्छा है क्या? खाना खाओ तो खाओ, मैस्टरबेशन ना करोगे सेक्स कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो सेक्स इज़ गुड, सेक्स इज गुड, हैविंग मैस्टरबेशन इज गुड। अगर सेक्स नहीं मिल रहा तो मैस्टरबेशन, दैट्स द थिंग। आपको कुछ ना कुछ तो मजा करना पड़ता है लाइफ में, कभी ना कभी, ऐसा नहीं करे कि रोज या महीने में एक बार, बट वंस इन अ वाइल इट्स गुड, राइट? फीमेल्स को मैस्टरबेशन करना चाहिए, अप टू देम, बिल्कुल करना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। मैस्टरबेशन कब करना चाहिए? मैस्टरबेशन जब मन करे तब करना चाहिए, मैं बता चुका हूँ पहले, अगर मन कर रहा है तो मैस्टरबेशन कम करना चाहिए, राइट? स्पर्म कितने दिनों में मैच्योर होते हैं? स्पर्म को कई बार लंबा समय मिलता लगता है, स्पर्म्स हर सेकेंड बनते हैं, हर सेकेंड में 1000 से ज़्यादा स्पर्म बनते हैं, और वो 1000 से ज़्यादा स्पर्म्स हर 72 दिन में, 70 से 72 दिन में मैच्योर होते हैं। इसका मतलब नहीं है 1000 स्पर्म बने और 70 दिन कुछ नहीं है, एक बार स्पर्म बनते जा रहे हैं, बनते जा रहे हैं, 70 दिन के बाद कुछ एक सेट, एक बैच मैच्योर हुआ, अगले दिन एक और बैच मैच्योर हुआ, अगले दिन एक और बैच मैच्योर हुआ, इतने हर सेकेंड मैच्योर होते जा रहे हैं बहुत सारे स्पर्म्स, हर सेकेंड लाखों मिलियन स्पर्म्स उस प्रोसेस में हैं, जैसे एक मशीन है पॉपकॉर्न की, और गिरते जा रहे उससे पॉपकॉर्न, गिरते जा रहे उससे पॉपकॉर्न। हम बोलेंगे उसको पॉपकॉर्न बनने को कितना टाइम लग रहा है? लगातार बन रहे हैं भैया, डोंट वरी अबाउट इट। क्या है, कितना है सर, कौन सा, क्या टूथपेस्ट का क्या लेना देना इसमें? अच्छा नहीं है क्या? 96 नॉर्मल है ये, नॉर्मल नॉर्मल क्यों लेके आ रहा है भाई? मैस्टरबेशन या सेफ सेक्स है क्या डेली विद डायबिटीज एंड किडनी प्रॉब्लम? या मैस्टरबेशन डायबिटीज विद किडनी प्रॉब्लम, उसका सेक्स से कोई लेना देना नहीं है। मैस्टरबेशन बैड फॉर वुमेन? नो, इट्स नॉट बैड फॉर वुमेन,
सी आपको अपना पता होना चाहिए कि मेरी माइंड पे क्या इफेक्ट हो रहा है। अगर वो एडिक्शन आ रहा है, अगर आपको ऑब्सेशन है, देन इट इज़ बैड, वरना कोई दिक्कत नहीं है। मैस्टर्बेशन से बाद जिम के कितने घंटे बाद करना चाहिए? सी, मैस्टर्बेशन के बाद ऐसा कुछ नहीं है कि घंटे वंटे, इट्स बेसिकली कि मैस्टर्बेशन के बाद द बेस्ट थिंग टू डू इज स्लीप फॉर मेल्स। और फीमेल्स के लिए कोई दिक्कत नहीं है, फीमेल्स में वो चीज़ नहीं होती। मैस्टर्बेशन के बाद अगर आप वो नींद का फ़ायदा नहीं ले रहे हो, क्योंकि वो गहरी नींद में जो जाने को आपको कई घंटे लगेंगे, 2-3 घंटे, वो मैस्टर्बेशन के बाद सोने से आप फट से पहुंच जाओगे, तो ये अच्छी चीज़ है, राइट? बाकी तो यू कैन गो एंड एक्सरसाइज, वो चीज़, वो एक विंडो स्किप कर दिया तो कर दिया, फिर आपको फिर जाके एक्सरसाइज, फिर वो चीज़ है। केगल एक्सरसाइज, टेस्टोस्टेरोन बढ़ गया है क्या? टेस्टोस्टेरोन बढ़ गया तो कोई बात नहीं, अच्छी बात है। 384 टेस्टोस्टेरोन थोड़ा सा माइ स्लाइटली कम है, लेकिन ठीक है। मैस्टर्बेशन लीड टू प्री मेच्योर इजैकुलेशन? नहीं, मैस्टर्बेशन से प्री मेच्योर इजैकुलेशन नहीं होता, फीलिंग गलत नेगेटिव फीलिंग से होता है। नेगेटिव फीलिंग, फिर आप ओवर सेंसिटिव, मुझे नहीं करना, मुझे नहीं करना, मुझे नहीं करना, मुझे नहीं करना, तो वहाँ पर फीलिंग आती है यार करो, कुछ तो करो, कुछ तो करो, कुछ तो करो, सेंसिटिविटी बढ़ती जाती है तो ओवर सेंसिटिव हो जाता है, राइट? हाउ टू मेक मोर टाइम सेक्स, ये बता चुका हूँ मैं कई बार। चेंज पोजिशन, स्टॉप एंड प्री मेच्योर इजैकुलेशन वाला वीडियो देखो आप, प्री मेच्योर इजैकुलेशन, राइट? और चलो, बहुत सारे सवाल हो गए, बहुत मज़ा आया। स्कैस, मैस्टर्बेशन करने से कोई स्किनी नहीं हो जाती बॉडी। एडिक्ट होने का सलूशन है कि अपने लाइफ में, जैसे थोड़ी देर पहले इसमें बताया, लाइफ से थोड़ा सेक्सुअलिटी हटाओ और थोड़ा सा लाइफ में अभी फिटनेस पे ध्यान दो, फिटनेस पे ध्यान दो, बॉडी बिल्डिंग बढ़ाने में ध्यान दो, सेक्स को थोड़ा सा बाजू में रखो, मैस्टर्बेशन को बाजू में रखो, थोड़ी देर में अपने आप आ जाएगा, ठीक है? काइली यूरिया के लिए यूरिन यूरिन चेक करो। ओवर एक्टिव इरेक्शन प्रॉब्लम्स, हाई टेस्टोस्टेरोन हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। पिंपल्स नहीं होते मैस्टर्बेशन से, संजीव जी गलत तरीका, गलत सोच है। पिंपल्स के लिए पिंपल वाला वीडियो देखो। चलो भाई, बहुत देर हो गई, थक गए हम भी बोल बोल के, कितना थक गए यार, ये निकलता क्यों नहीं है यार, ठीक है? तो मैस्टर्बेशन के बारे में आई होप सबके सवालात समझ में आ गए होंगे। 1 मिलियन सब्सक्राइबर जल्दी हो जाएंगे, थैंक यू जी। क्या मेंस्ट्रुअल कप हाइमन ब्रेक कर सकता है? जी हाँ, मेंस्ट्रुअल कप हाइमन ब्रेक कर सकता है, ऑब्वियसली। हाइमन ब्रेक, देखिए मेंस्ट्रुअल कप डालने के लिए तो हाइमन ब्रेक हो ही जाएगा ना, और हाइमन इज़ नॉट द थिंग, बेसिक चीज़ है जो आपकी वर्जिनिटी डिटरमाइन करता है, क्वाइट फ्रैंकली। अब दुनिया में लोग कुछ भी बोले, लेकिन हाइमन वैसे ही टूट जाता है खेल कूदने वाली लड़कियों का, जो खेलती कूदती हैं, साइकिल चलाती हैं, हाइमन ज़्यादातर लड़कियों का वैसे ही टूट जाता है, तो कोई लेना देना नहीं है। ज़्यादातर लड़कियों को ब्लीडिंग नहीं होती है, कुछ लड़कियों को ब्लीडिंग होती है, बाकी को नहीं होती है, तो डोंट वरी अबाउट इट। ऑल राइट, फिर क्या है सर? हिकी से निशान तुरंत कैसे छुपा सकते हैं? हिकी निशान, कपड़े पहन लो उसके ऊपर, हिकी के ऊपर कपड़े पहन लो, टूथपेस्ट लगा लो, वही तरीके है। छुपाना क्यों है तुम्हें, पहली बात? अच्छा, घर वालों से? हाँ, हिकी मत करो और क्या सर। ओके, फिर क्या है? चलो, थैंक यू, गुड नाइट, चलता हूँ। हैप्पी होली लास्टली भैया, सबको बहुत बहुत मुबारकबाद। होली की हम तो भूल ही गए, होली है और होली है सबको, बढ़िया वाली। और यार, वीडियोस वीडियो शेयर करो, थोड़े हमारे सब्सक्राइबर कम हो गए हैं, अब स्पीड जरा कम हो गई, हमने कहा यार ये अच्छी बात नहीं है, कम ऑन यार, हेल्प मी आउट हेयर, थोड़ी स्पीड बढ़ाओ, 1 मिलियन फटाफट पहुँचाओ। ओके, फिर और डिस्कस करेंगे, ठीक है दोस्तों? थैंक यू सो मच।